पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीते 10 साल से सैनी वोटों की सौदेबाजी करने के बावजूद अब तक असफल रहे महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने मुरादाबाद में आयोजित एक सम्मेलन में कांग्रेस के साझा मंच में कहा कि महान दल के लोगों कांग्रेस यदि अंदर बाहर या फिर पाकिस्तान से लाकर भी प्रत्याशी बनाए तो हाथ के पंजे पर वोट देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा देना। मौर्य का ये बयान सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ये बयान उस समय दिया है जब पुलवामा में भारत के 45 जवान शहीद हो गए और देश के हिंदू हो या मुसलमान सभी में पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त गुस्सा है और लोग प्रधानमंत्री से सब कुछ भूलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब से केशव देव मौर्य ने महान दल का गठन किया है तभी से वे कामयाबी का जुगाड़ तलाश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सैनी समाज का जुड़ाव भाजपा से होने के कारण केशव देव मौर्य द्वारा बनाए गए महान दल की न सिर्फ आर्थिक मदद की बल्कि 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में महान दल से गठबंधन करके 3-3 सीटें भी दी। लेकिन मौर्य कुशवाहा शाक्य बाहुल सीटें मिलने के कारण महान दल के प्रत्याशी जमानत भी नहीं बचा सके। बताया जाता है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में महान दल ने अकेले कई दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सैनी बाहुल ठाकुरद्वारा नूरपुर चांदपुर हाथरस सहित कुछ सीटों पर तो अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन मौर्य कुशवाहा शाक्य बाहुल सीटों का परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 2012 में मिली करारी हार के कारण महान दल के अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश की ओर रुख किया और वहां हुए विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन महान दल को एक सीट नहीं मिल सकी और जो सैनी मन से महान दल के साथ जुड़ा था वो भी निराश हो गया। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक दल से गठबंधन को सभी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने पास भी नहीं फटकने दिया, जिस कारण 2017 के चुनाव में केशव देव मौर्य यहां तक तैयार हो गए कि कोई बस समर्थन मांग ले और किसी के माध्यम से बसपा को समर्थन देने की पेशकश की तो उसने भी समर्थन लेने से इनकार कर दिया, जिस कारण मौर्य को अपना समर्थन अपने पास ही रखना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में तेजी से सफलता की ओर बढ़ रही कांग्रेस को इस तरह के बड़बोले नेता कहां ले जाकर पटकेंगे। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने बेटा बहु पत्नी को राष्ट्र कमेटी में रखने वाले ये नेताजी सैनी बाहुल क्षेत्र के साथ साथ कुशवाहा शाक्य मौर्य बाहुल क्षेत्र में क्यों पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। मुझे विश्वास दिलाए, प्रत्याशी मत देखना, प्रत्याशी देख कोड़ दोगे क्या? देख कोड़ दोगे क्या? देख कोड़ दोगे? खाली हाथ का पंजा देख लेना, उसी वोट दे देना। प्रत्याशी कोई भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, बाहर का हो, भीतर का हो, पाकिस्तान से भी आके लड़े, महान दल के कार्यकर्ताओं को कोई ऐतराज नहीं होगा। वोट देंगे सभी लोग पूरी ताकत से। हाथ हिला के बताओ, फिर वोट देंगे सभी लोग पूरी ताकत से। उत्तर प्रदेश में 2019 में चमत्कार करना ही करना है, बैठना मत, दो मिनट खड़े रहो, वोट देना है। लेकिन हमने जितनी और पार्टियों को कांग्रेस लेती है सबको वोट देकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की जिम्मेदारी मैं सैनी समाज के ऊपर सौंपता हूँ। और आप सभी लोग आज से जो लोग